हेलो फ्रेंड्स, सबका ऑल फील्ड कमांड चैनल में स्वागत है। और आज इस वीडियो के जरिए हम लोग ये समझ पाएंगे कि टेलीविज़न की स्क्रीन पर यदि लाइट नहीं आता है तो वो कौन कौन से सात ऐसे कारण होते हैं जिसके वजह से टेलीविज़न की स्क्रीन पर लाइट प्राप्त नहीं होता है। तो सात जरूरी नहीं कि सात कारण जो है हर टेलीविज़न सेट में ही उत्पन्न हो जाए, कोई एक कारण, दो कारण या कोई भी कारण हो सकता है। पहला कारण क्या होता है कि ESD का नहीं बनना। अगर ESD का निर्माण नहीं होगा, ESD नहीं बनेगा, तो उस स्थिति में टेलीविज़न की स्क्रीन पर लाइट प्राप्त नहीं होगा। तो ये कैसे समझेंगे कि ESD बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ESD बनने के लिए हम लोग जानते हैं कि दो चीज़ की आवश्यकता होती है। नंबर वन कि पावर सप्लाई से ESD को वोल्ट देते हैं, और नंबर दो कि हॉरिजॉन्टल सेक्शन से 15625 हर्ट्ज की जब फ्रीक्वेंसी देते हैं तभी ESD का निर्माण होता है। तो सबसे मुख्य चीज़ होता है ESD का निर्माण होना, ESD का बनना। जब तक ESD नहीं बनेगा तो पिक्चर ट्यूब के विभिन्न पिनों को वोल्टेज देते हैं, और साथ ही साथ जो है एक्स्ट्रा हाई टेंशन वोल्ट देते हैं, स्क्रीन वोल्ट देते हैं, फोकस का वोल्ट देते हैं, और साथ ही साथ जो है हीटर के लिए सप्लाई वगैरह देते हैं। तो ये सभी जो है वोल्ट जो देते हैं पिक्चर ट्यूब को। तो अगर ESD का निर्माण नहीं होगा तो उस स्थिति में टेलीविज़न के स्क्रीन पर लाइट प्राप्त नहीं होगी। एक पिन को वोल्ट देते हैं पावर सप्लाई से, और दूसरी जो पिन होता है उसको 15625 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी देना होता है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी देते हैं, कहाँ से देते हैं? तो इसके लिए टेलीविज़न के किट में ही हॉरिजॉन्टल सेक्शन बना होता है, जिसके बारे में हम लोग विभिन्न वीडियो के माध्यम से पहले ही जान चुके हैं कि हॉरिजॉन्टल सेक्शन कैसे काम करता है। तो जब ESD के पिन नंबर यह एक है और यह दो है, पिन नंबर दो को जब 15625 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी देते हैं और चार नंबर पिन को क्या करते हैं कि पावर सप्लाई से आउट होने वाला, निकलने वाला 110 वोल्ट की सप्लाई जब देते हैं तो ESD का निर्माण होता है। तो ये ESD का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए क्या करते हैं कि टेलीविज़न सेट को सप्लाई देने के बाद और हम लोग चेक करेंगे कि क्या 180 वोल्ट इससे आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर 180 वोल्ट निकले तो ये मानेंगे कि ESD का निर्माण हो रहा है। तो आइए मल्टीमीटर ले करके और इस टेलीविज़न सेट को सप्लाई देते हुए 180 वोल्ट की जांच करेंगे। तो देखिए टेलीविज़न सेट को हम सप्लाई दे देते हैं, और सप्लाई देने के बाद जो है मल्टीमीटर को DC वोल्ट के रेंज में फिट कर देंगे। देखिएगा यहाँ पर कि मल्टीमीटर को 1000 वोल्ट DC के रेंज में फिट किए हुए हैं, और फिट करने के बाद अब क्या करेंगे कि यहाँ से 180 वोल्ट, यहाँ जानते हैं कि यहाँ से 180 वोल्ट आउट होता है, वो 180 वोल्ट जो आउट होता है वो AC निकलता है। तो AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए, बदलने के लिए देखिएगा कि यहाँ से एक डायोड लगा होता है, और इस डायोड के कैथोड सिरे पर, यानी कि इस सिरे पर हमको 180 वोल्ट मिलना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले मल्टीमीटर के काला तार को ग्राउंड से फिट कर देते हैं, ग्राउंड में अटैच कर देंगे परमानेंटली, और उसके बाद हम लोग यहाँ 180 वोल्ट की जांच करेंगे। अगर 180 वोल्ट मिले, 180 वोल्ट के आसपास मिले तो ये समझेंगे, तो देख रहे हैं कि 190 वोल्ट के आसपास वोल्ट है। अगर यहाँ पर मिल जाए वोल्ट 180 के आसपास तो ये समझेंगे कि ESD का निर्माण हो रहा है, यानी कि ESD बन रहा है। तो उस स्थिति में जब ESD बने तो लाइट आना चाहिए। अगर ESD बनता हो फिर भी लाइट नहीं आता हो तो नंबर दो रीज़न के बारे में हम लोग जानेंगे कि नंबर दो रीज़न क्या हो सकता है जिसके वजह से टेलीविज़न की स्क्रीन पर लाइट प्राप्त नहीं होगा। और नंबर दो कारण में पिक्चर ट्यूब का फिलामेंट अगर नहीं जलेगा तो उस स्थिति में भी टेलीविज़न की स्क्रीन पर लाइट प्राप्त नहीं होगा। तो नंबर वन में ESD का नहीं बनना, और नंबर दो में फिलामेंट का नहीं जलना, यानी कि हीटर का नहीं जलना। तो अगर हीटर नहीं जलता है तो हीटर की हम लोग सप्लाई की जांच करते हैं, और साथ ही साथ CRT बेस भी फॉल्टी हो सकता है, पिक्चर ट्यूब भी फ्यूज हो सकता है। तो अगर हीटर नहीं जलेगा तो किसी भी परिस्थिति में टेलीविज़न की स्क्रीन पर लाइट प्राप्त नहीं होगा। तो हीटर को किस प्रकार से सप्लाई दिया जाता है आइए समझते हैं। ESD है, ESD से ही हीटर के लिए सप्लाई वोल्ट आउट होता है, निकलता है। तो इस ESD के पिन नंबर 8 से हीटर की सप्लाई आउट होता है, निकलता है। तो देखिएगा कि यहाँ पर H लिखा हुआ है, H का मतलब है हीटर, और हीटर के लिए यहाँ से सप्लाई आउट होता है, और यहाँ से निकलने वाला सप्लाई देखेंगे कि ऐसे होते हुए ये सप्लाई, ऐसे होते हुए यह लाइन देखिएगा कि यह हीटर का सप्लाई जो 8 नंबर से निकलता है वो निकल करके यहाँ आता है। यहाँ से यहाँ एक रेजिस्टेंस के द्वारा, एक रजिस्टर के द्वारा, आपका लगभग 1.5 ओम के रजिस्टेंस के द्वारा, और वही सप्लाई ऐसे होते हुए चला जाता है कहाँ, तो यहाँ के कनेक्टर लगा होता है, कनेक्टर से होते हुए हीटर को सप्लाई देते हैं। तो देखिएगा कि यहाँ हीटर के लिए दो पिन बने हुए हैं, एक पिन जो है यहाँ बना हुआ है और एक पिन यहाँ ग्राउंड। ग्राउंड जो होता है वो लंबी एवं चौड़ी पट्टी से जुड़ा होता है, जबकि ये जो हीटर का ये जो पिन है, ये वाला पिन है
को सप्लाई ESD से दिया जाता है। तो यहाँ हम लोग वोल्टेज की जांच करेंगे कि वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर वोल्ट नहीं मिले तो ये समझेंगे कि ESD से आने वाला हीटर सप्लाई यहाँ प्राप्त नहीं हो रहा है, और अगर वोल्ट मिले फिर भी हीटर नहीं जले, जो कि हम लोग अभी थोड़ा देर पहले चेक किए कि हीटर जल रहा है, तो अगर यहाँ वोल्ट मिले और फिर भी हीटर नहीं जले तो खराबी CRT बेस की होगी। यहाँ देखेंगे कि यहाँ CRT बेस की होगी या पिक्चर ट्यूब की होगी। तो पिक्चर ट्यूब के हीटर पिन को आपस में कंटिन्यूटी शो करना चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं कि पिक्चर ट्यूब का हीटर जल रहा है, जलने का मतलब है कि CRT बेस और हीटर को आने वाला यहाँ सप्लाई जो है बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से हम लोग हीटर की सप्लाई की जांच करते हैं। तो यहाँ पर AC वोल्ट के रेंज में मल्टीमीटर को फिट करके और हीटर की सप्लाई की हम लोग यहाँ पर जांच कर सकते हैं। टेलीविज़न की स्क्रीन पर लाइट नहीं आने का तीसरा कारण है ESD का मिसट्यून होना। देखिएगा कि यहाँ ESD के वोल्ट को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर दो एडजस्टर लगे होते हैं, जिसमें एक होता है स्क्रीन का और एक फोकस का होता है। तो अगर स्क्रीन कंट्रोल का जो एडजस्टर अगर मिसट्यून हो जाएगा, अगर गलत ढंग से जो है किसी के द्वारा ट्यूनिंग कर दिया जाएगा, तो उस स्थिति में भी पिक्चर ट्यूब का सही रूप से सप्लाई प्राप्त नहीं होगा और उस स्थिति में टेलीविज़न के स्क्रीन पर लाइट प्राप्त नहीं होगा। ये तीसरा कारण हो गया। चौथा कारण क्या होता है कि CRT बेस, देखिएगा कि जो ये CRT बेस बोर्ड है इसके साथ ही CRT बेस लगा होता है, तो CRT बेस अगर फॉल्टी हो जाएगा, यहाँ देखेंगे कि ये जो है CRT बेस है, तो अगर CRT बेस फॉल्टी हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो उस स्थिति में ये जो पिक्चर ट्यूब होता है उस पिक्चर ट्यूब के विभिन्न पिनों को सही रूप से सप्लाई प्राप्त नहीं होगा, तो उस स्थिति में भी लाइट आपका गायब हो सकता है। तो CRT बेस नंबर चार में CRT बेस की हम लोग जांच करते हैं। और नंबर पाँच में क्या होता है कि पिक्चर ट्यूब, अगर पिक्चर ट्यूब डिस्चार्ज हो जाएगा, वीक हो जाएगा, तो उस स्थिति में भी टेलीविज़न की स्क्रीन पर लाइट प्राप्त नहीं होगा। नंबर छः में पिक्चर ट्यूब का कैथोड पिन का वोल्ट जो है बढ़ जाना। पिक्चर ट्यूब के कैथोड पिन देखिएंगे कि यहाँ ब्लू कैथोड होता है, जबकि यहाँ रेड कैथोड होता है और यहाँ ग्रीन कैथोड होता है। तो अगर पिक्चर ट्यूब के तीनों कैथोड का वोल्टेज अगर आवश्यकता से अधिक बढ़ जाएगा, आवश्यकता से अधिक हाई हो जाएगा, तो उस स्थिति में भी टेलीविज़न के स्क्रीन पर लाइट प्राप्त नहीं होगा। तो हाई वोल्ट होने के कई कारण होते हैं। यहाँ देखेंगे CRT बेस में तीन ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, इनसे रिलेटेड अगर कंपोनेंट खराब हो जाएंगे तो भी जो है कैथोड का वोल्टेज हाई हो जाएगा, या जो मेन IC है या मेन IC अगर फॉल्टी हो जाएगा तो भी कैथोड का वोल्ट हाई हो जाएगा। और नंबर सात कारण में ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को जीरो लेवल पर कर देना। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी बच्चे के द्वारा रिमोट के माध्यम से या की के माध्यम से गलत ढंग से की को दबा देने से क्या होता है कि ब्राइटनेस और कंट्रास्ट जीरो लेवल पर हो जाता है। तो उस स्थिति में अगर ब्राइटनेस और कंट्रास्ट जीरो लेवल पर हो जाएगा, तो जब इससे भी सॉकेट में जब हम लोग ऑडियो और वीडियो सिग्नल देंगे, तो जब वीडियो सिग्नल देंगे तो उस स्थिति में टेलीविज़न की स्क्रीन पर लाइट प्राप्त नहीं होगा, और जैसे ही इस कोड को बाहर खींचेंगे, बाहर निकालेंगे, तो उस स्थिति में टेलीविज़न के स्क्रीन पर लाइट प्राप्त होगा। क्योंकि अगर ब्लू बैक ऑन होगा तो ब्लू बैक की वजह से टेलीविज़न के स्क्रीन पर लाइट प्राप्त होगा, लेकिन जैसे ही यहाँ वीडियो देंगे इस AB सॉकेट में, जैसे ही हम लोग वीडियो देंगे, तो उस स्थिति में टेलीविज़न की स्क्रीन पर लाइट प्राप्त नहीं होगा। तो ऐसा अगर दोष आपको मिले कि वीडियो का कोड खोजते ही टेलीविज़न के स्क्रीन का लाइट गायब हो जाए और कोड बाहर निकालते ही टेलीविज़न की स्क्रीन पर लाइट आए, तो ये समझिए कि ब्राइटनेस और कंट्रास्ट जीरो लेवल पर किया हुआ है। तो रिमोट के द्वारा या की के द्वारा ब्राइटनेस और कंट्रास्ट के लेवल को बढ़ाएंगे और बढ़ा करके टेलीविज़न की स्क्रीन पर लाइट प्राप्त करें। प्रकार से कुल सात ऐसे कारण होते हैं जिसके वजह से टेलीविज़न की स्क्रीन पर लाइट प्राप्त नहीं होता है। तो वो सात कारण कौन कौन से होते हैं वो अभी हम लोग समझे। तो थैंक यू वेरी मच जो आपने इस पूरी वीडियो को वॉच किया, और हम चाहेंगे कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। धन्यवाद।